नमस्कार, स्वागत है आपका केकेआर न्यूज में। मैं आपके साथ पिंकी राठौर। आइए बढ़ते हैं ताजा खबरों की ओर। गुरुवार को देर रात्रि में हुई मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। एक और जहां इछावर नगर सहित आसपास के ग्रामीणों को मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। आपकी जानकारी में बता दें कि 4 घंटे की मूसलाधार बारिश के कारण नगर का मेन बाजार सहित क्षेत्र के नदी नाले उफान हो गए। वहीं शुक्रवार को जैसे क्षेत्र में जल भराव की खबर लगी, भाजपा के विधायक करण सिंह वर्मा एवं पूर्व कांग्रेस के विधायक शैलेंद्र पटेल को खबर लगी, वे सक्रिय दिखाई दिए। एक और जहां क्षेत्र के विधायक करण सिंह वर्मा ने जैसे ही ग्राम झालकी सहित आसपास के क्षेत्रों में जल भराव की सूचना मिलते ही तुरंत प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचाकर बारिश से प्रभावित लोगों की मदद करने के निर्देश दिए और तुरंत इछावर SDM सहित अधिकारियों के साथ पहुंचे, बारिश से प्रभावित गांवों में पहुंचने के निर्देश दिए एवं हर संभव मदद करने अधिकारियों को निर्देश दिए। एक और कांग्रेस के पूर्व विधायक शैलेंद्र पटेल भी पीछे रहने वाले नहीं थे। इछावर से जलील खान की खास रिपोर्ट। सर, ये झालकी में लोगों के घरों में पानी घुस गया, आप जो है निरीक्षण करने आए, क्या है पूरा मामला? देखिए, रात को बहुत बारिश हुई और उस बारिश के कारण, जैसा कि जब भी ज्यादा बारिश होती है झालकी गांव की जो निचली बस्ती है अनुसूचित जाति की, उसमें हमेशा पानी घुस जाता है और जो ये नाला है अगर ये घेरीकरण हो जाए तो कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिले, लेकिन प्रशासन का इस तरफ ध्यान नहीं है। जब हम विधायक थे, जब ये नाली बनवाई थी और जो फंड अवेलेबल थे उसमें आधी नाली बनी थी, अगर नाली भी पूरी बन जाती पिछले 5 सालों में तो शायद से ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन खैर, सुबह 6:30 बजे जब मुझे ज्ञात हुआ कि यहाँ पे पानी घुस गया तो SDM से और कलेक्टर से बात हुई और SDM खुद मौके पे पहुँचे, पटवारी को मौके पे पहुँचाया। अब हम प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन जिनके घरों में नुकसान हुआ है या जिनका अनाज या अन्य सामान का नुकसान हुआ है उनको मुआवजा दिया जाए, उनके लिए कहीं ना कहीं की व्यवस्था की जाए ताकि उनका जीवन यापन वो ठीक तरीके से कर सके। खबरों के लिए बने रहिए आप KKR न्यूज के साथ।